Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ये सरकार जिस तरीके से इनको मैंडेट मिला है और यूपी में जितनी बड़ी हार मिली है उसी का बदला लेने के लिए सबसे पहले माइनॉरिटीज पर अटैक होता है। तो सपा सांसद लगा रही है बड़ा आरोप, आरोप बीजेपी सरकार पर कि हार का बदला लिया जा रहा है, कि अल्पसंख्यकों को मुसलमानों को किया जा रहा है टारगेट। तो फायर हो रही है कैराना से सपा सांसद इकरा हसन। दरअसल माहौल गरमाया हुआ है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर, जिस पर पूरा विपक्ष हमलावर है, मुसलमानों के खिलाफ साजिश बता रहा है। ऐसे में जब इकरा इस बिल पर बोली तो धुआंधार बोली, इस बिल पर सरकार की मंशा बता दी, कई आरोप लगा दी। सुनिए इकरा का ये बड़ा बयान। देखिए, ये एक बहुत पुराना चैरिटेबल एक इंस्टीट्यूशन है। वक्फ की जो जमीन है वो कैसे दी जाती है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ उसमें कोई तीसरा इंसान, मैं आपको अपनी चैरिटी अपने मन के हिसाब से आपको कुछ दे रही हूँ, उसमें कोई दूसरा इंसान आपको आके बताए कि आप उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और सारी की सारी जो पावर्स है वो आप अगर जिलाधिकारी को दे देंगे तो उसमें आई डोंट थिंक इट हेल्प्स एनीबडी एंड वी आर टोटली अगेंस्ट इट। ये सिर्फ इंटरफेरेंस है, क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से इनको मैंडेट मिला है और यूपी में जितनी बड़ी हार मिली है उसी का बदला लेने के लिए सबसे पहले माइनॉरिटीज पर अटैक होता है। और मुझे लगता है अगर इसी तरीके से अटैक हुआ, इट्स नॉट जस्ट एन अटैक ऑन माइनॉरिटीज बट ऑल्सो ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, इट्स अ डायरेक्ट अटैक। सो एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर मुस्लिम्स, आई थिंक ऑल द माइनॉरिटीज इन द कंट्री नीड टू बी अवेयर of this government's intent, of their intent to interfere with one's personal beliefs and religious institutions. So I think this is not what my country stands for, this is not what my constitution stands for, and we stand against this bill and we will oppose it tooth and nail. But ikra yahan par jo bill mein government ki taraf se bola gaya, jo peedit khas kar bar bar bola gaya, jo peedit muslim mahilaen hain unko insaaf dilana hai, jo peedit musalman hain ye dharm se isko bilkul jode nahi jana chahiye, aisa bilkul नहीं है मुस्लिम क्लियरिटीज में है, उसके बावजूद क्यों आप लोगों को लगता है कि दिस इज अगेंस्ट द रिलीजन, ये मुस्लिमों के खिलाफ है? देखिए, सुपरफिशियली ये जो सरकार है कुछ भी बदलाव लाने के लिए हमेशा महिलाओं का इस्तेमाल, मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ और मैं बहुत अच्छी तरीके से, पहले भी जब ट्रिपल तलाक का बिल आया था तो भी यही कहा गया था, पर जिस मेरी मांग भी थी, मैंने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से मांग करी थी कि आप अगर महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप उन्हें पहले पढ़ाइए, और अगर ये उसमें महिलाओं को इंक्लूड करना चाहते हैं वो एक सिर्फ वो स्टिप्यूलेशन नहीं है, इसमें सारी पावर जिलाधिकारी को दी गई है, इसमें सारी पावर, इसमें और पीपल फ्रॉम अदर कम्युनिटीज हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, तो इस तरीके के बहुत प्रावधान है। सिर्फ उसको सेल किया जा रहा है कि हम विमेन को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, पर जैसा अभी हमने देखा है ट्रिपल तलाक में, अब क्या होता है, देर आर अ लॉट ऑफ अबैंडनमेंट केसेस, पहले तलाक हो जाते थे लेकिन अब औरतों को सिर्फ अबैंडन कर दिया गया है, और जो उनके पति हैं वो जेल चले जाते हैं, वो उनके पास वैसे भी उन्हें कुछ उससे फायदा नहीं होता है, तो सुपरफिशियली उसे दिखाने के लिए महिलाओं का वो नाम का इस्तेमाल करते हैं, बट इंटेंट जो उनकी है वो पूरा विपक्ष, पूरा देश और सब लोग समझते हैं, एंड आई थिंक ऑल द माइनॉरिटीज ऑफ दिस कंट्री आर टुगेदर इन इट एंड वी विल अपोज इट। तो वक्फ बिल पर इकरा जो बोलती हैं तो एक एक कर सारे धागे खोलती हैं, ट्रिपल तलाक बिल तक पहुंच जाती हैं। वैसे इकरा के धमाकेदार बयान पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।